हाय गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कमिंग वीक से आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सो आई हैव ब्रॉट वन एग्जाम बिफोर एग्जाम सेशन फॉर यू, जहां पर अराउंड मैं 22 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी एंड एट द एंड यू हैव टू टेल मी योर स्कोर कि आपके 22 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं विदाउट माई आंसर, बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन। ओके, तो आप कॉमेंट करके अपने स्कोर को बताइएगा एंड लेट्स चेक हाउ प्रिपेयर्ड यू आर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर अस इज व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडवर्टेंटली। सो एडवर्टेंट वर्ड का मतलब होता है इंटेंशनल। आप लोग वीडियो पॉज करके पहले आंसर दे दीजिएगा, देन सीधा करेक्ट आंसर एंड चेक कि आपके कितने सही होते हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है? सो एडवर्टेंट का मतलब होता है इंटेंशनल, दैट इज इंटेंशनली। सो अपोजिट पूछा है तो अपोजिट क्या हो जाएगा, अनइंटेंटली, बिकॉज इंटेंट एंड इंटेंशनल दे बोथ आर सेम। सो इंटेंटली एंड इंटेंशनली दोनों का मतलब सेम होता है, पर्पजली कोई चीज आप जानबूझ के करते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्पजली, जानबूझ के करना, ठीक है? तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, अनइंटेंटली। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 months ago राहुल सीम टू बी एट डेथ्स डोर बट नाउ ही इज फिट एज फिडल। आपको इस idiom की मीनिंग बताना है। सो फिट एज अ फिडल वैसे तो बहुत कॉमन idiom है, बट फिर भी जब ये सेंटेंस के बेसिस पे आता है तो सेंटेंस के थ्रू इसकी मीनिंग गेस करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, राइट? सो द आंसर विल बी इन अ वेरी गुड हेल्थ। फिट एज अ फिडल मीन्स हेल्थी, परफेक्टली फाइन, इन गुड हेल्थ। ओके, नाउ दिस इज अ क्लोज टेस्ट, बहुत ईजी क्लोज टेस्ट है, ठीक है? देर आर 5 blanks, लेट सी कि किस ब्लैंक पे कौन सा आंसर होगा। क्लोज टेस्ट को करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि एक बार आप पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, और सेकेंड टाइम में फिर ऑप्शंस आप सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है? तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि पूरा पैसेज किस टेंस में है और आपको किस तरह के वर्ब या पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। सो इट स्टीव डैश बॉर्न इन टोक्यो जापान इन 1950। पास्ट की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज बॉर्न, राइट? He moved to London with his dad when he was 5 years old. तो 5 साल की उम्र में वो अपने पेरेंट्स के साथ ही लंडन मूव करेगा। फ्रेंड्स या टीचर्स 5 साल की उम्र में उनके साथ मूव नहीं करेगा, राइट? Steve dash school there. So started school there. Past tense की बात हो रही है, सारे वर्ब पास्ट में जाएंगे। So आप सिर्फ ऑप्शंस देख करके इलिमिनेट कर सकते हैं। लेफ्ट द स्कूल नहीं होगा बिकॉज अभी तो वो 5 साल का, तो स्कूल ज्वाइन करेगा, छोड़ेगा तो बाद में, राइट? सो ही ज्वाइंड द स्कूल देयर, ही स्टार्टेड द स्कूल देयर एंड हिज फादर बिगैन टू वर्क डैश द हॉस्पिटल। सो बिगैन टू वर्क एट द हॉस्पिटल, आई एम वर्किंग एट ओलिवपुर। ओके, हिज मदर वाइफ वॉज अ हाउस वाइफ एंड ही डैश 4 brothers. तो क्या आंसर हो जाएगा, ही हैड 4 brothers और उनके 4 brothers थे। ओके, तो आई होप ये बहुत सिंपल सा था, और ऐसे ही लेवल जनरली आपको इंटरेस्ट में मिलेगा, बिकॉज अगर आपने सीजीएल और सीएचएसएल का प्री पेपर देखा होगा तो इंग्लिश वॉज ईजी, बट आपको ये माइंड में रखना है कि अगर इतना ईजी पेपर आएगा तो आपकी एक्यूरेसी 100% आती है। तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा कि किसकी आपकी एक्यूरेसी 100% थी या नहीं थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। केट चेक्स हर फोन बिफोर शी स्टार्टेड टू ईट। तो टेंस का जो कॉमन रूल होता है कि जब दो काम टेंस में पास्ट में होते हैं, साथ साथ पास्ट में होते हैं, तो जो काम पास्ट में पहले किया जाता है दैट इज रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैड चेक्ड हर फोन। जैसे कहते हैं ना, पेशेंट डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, सो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। सेम कंसेप्ट यहां पर है, केट हैड चेक्ड हर फोन बिफोर शी स्टार्टेड टू ईट। नेक्स्ट, अगेन इंप्रूवमेंट। दो ओनली सम 17 कंप्लीटेड पेंटिंग सर्वाइव, दे आर यूनिवर्सली सीन एज द मोस्ट यूनिक मास्टरपीसेस। अब अगर आपको पता होगा तो देर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक परफेक्ट, यूनिक, इन सब के पहले हम मोस्ट वर्ड नहीं लगाते हैं, क्योंकि परफेक्ट का मतलब यूनिक का मतलब सबसे अलग, परफेक्ट का मतलब सबसे अच्छा। तो ये सारे वर्ड्स अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव का सेंस कैरी करते हैं, तो इनके पहले मोर या मोस्ट या किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं होता। तो सिंपली द आंसर विल बी यूनिक मास्टर पीसेस। तो दो ओनली सम 17 कंप्लीटेड पेंटिंग सर्वाइव, दे आर यूनिवर्सली सीन एज द यूनिक मास्टर पीसेस। यहाँ पे मास्टर पीसेस होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, बिकॉज दे है, ये प्लूरल है, सो ऑप्शन में भी मास्टर पीसेस आएगा बिकॉज पूरे 17 की बात हो रही है। ओके,
अच्छा अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के बेसिस पर भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन पूछ अच्छा है। अब यहाँ पर सपोज आपने देखा यूनिक मास्टर पीस दिखा हुआ है, यूनिक मास्टर पीसेस होता तो हो सकता था, तो अब आप इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, मास्टर पीस यूनिकनेस विल नॉट मेक सेंस। तो यहाँ पर आंसर होगा दे आर सीन एज द, और यहाँ पर द भी लगा हुआ है, तो मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्ट्रीज, तो मास्टर पीसेस को आप आर्टिस्ट्रीज भी कह सकते हैं, ब्यूटिफुल के पहले आप मोस्ट लगा सकते हैं, तो ये सारी चीजें सही है। अगर यहाँ पर यूनिक मास्टर पीसेस होता तो सही हो जाता, बट वो नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तो कभी कभी इतने क्लोज ऑप्शन भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि यूनिक मास्टर पीसेस होना चाहिए बट मास्टर पीसेस नहीं दिया था, तो आप बाकी ऑप्शन भी चेक करिए क्या कोई और बहुत अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो ग्रामेटिकली सही हो। तो यस ए इज द करेक्ट आंसर, मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिस्ट्रीज, आर्टिस्ट्रीज का मतलब हो गया मास्टर पीसेस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। वी अराइव्ड एट दिस प्लेसेस एंड आर अगो, सो एरर बहुत सिंपल है, एज यू नो दिस एंड दैट इनके बाद नाउन हमेशा सिंगुलर जाता है, दे आर फॉलोड बाई दिस और दैट दोनों सिंगल को रिफर करते हैं, तो इनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर जाएगा। और वहीं पर अगर मैं दीज और दोज की बातें करूं तो दे आर फॉलोड बाई प्लूरल नाउन, इनके साथ नाउन जो आपका जाएगा दैट इज प्लूरल। ओके सो वी अराइव्ड एट दिस प्लेस एंड आर अगो, प्लेसेस नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा प्लेस। ओके सो द आंसर विल बी सी। देखिए ये भी अच्छा है, द अपोजिशन पार्टी एट प्रेजेंट लीड इन अ मार्जिन ऑफ 200 वोट्स, सो यहाँ पर देखिए अपोजिशन पार्टी सिंगुलर है, तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी नीड अ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर मोमेंट्री एक्शन को शो कर रहा है, आप लीड्स नहीं लिख सकते हैं बिकॉज एट प्रेजेंट वो 200 वोटों से आगे चल रही है, तो कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा है बिकॉज ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, सो इज लीडिंग विथ अ मार्जिन ऑफ 200 वोट्स, सो एरर इज इन सी पार्ट, so the opposition party at present is leading with a margin of 200 votes, okay? यहाँ पर भी error detection है, you have to find the error. Had we reached home a few minutes earlier, we will have seen him. तो यहाँ पर third condition आपको पता है, conditional sentence का जो third condition होता है कि अगर आपके subordinate clause में, ये subordinate clause है, ठीक है? अगर वो past perfect होता है, had plus v3 है वहां पर, तो principal clause में हम would have plus v3 लगाते हैं, will have नहीं लगाते हैं। The third clause of conditional sentence, so had we reached home a few minutes earlier, we would have seen him, हम उसे देख लिए होते हैं, so the error is in C part, we would have seen him. Next, you have to find the incorrectly spelt word, so encourage is the wrong spelling, यहाँ पर क्या होगा encourage, right? encourage, that is the right spelling. अगर आप पॉलीपोर्ट प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कोर्सेज के लिए, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं सबा, ठीक है, और आप एसएससी सुपर इलीट का कोर्स ले सकते हैं, सुपर इलीट में आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे और जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन आपको सुपर इलीट में मिल जाती है और हर लेवल का मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है, तो ये 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, 1 ईयर के अंदर जो भी आपके एसएससी एग्जाम्स होते हैं वो सारी की प्रिपरेशन आप ऑलीपोर्ट प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारे फ्री सेशंस हम डेली बेसिस पे लेते हैं यूट्यूब पर, तो यू कैन ज्वाइन दोस फ्री सेशंस एज वेल। ओके चलिए अपोजिट ऑफ ब्राइट, देखिए ब्राइट वर्ड की मल्टीपल मीनिंग्स होती है, ब्राइट स्टूडेंट मतलब इंटेलिजेंट, तो ब्राइट का अपोजिट डल भी हो सकता है डार्क भी हो सकता है, तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या दिया होगा डार्क, तो डार्क हो गया, डल हो गया, मीडियोकर हो गया, ये सारे अपोजिट हो जाएंगे ब्राइट के। आई डैश लाइक रॉक क्लाइंबिंग व्हेन आई वाज यंगर, पास्ट की बात हो रही है, और वेन एवर वी टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए हम लोग यूज्ड टू का यूज करते हैं, यहाँ पर एबिलिटी नहीं बता रहा लाइक बता रहा है, मुझे पसंद था रॉक क्लाइंबिंग व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था, तो वेन एवर वी टॉक अबाउट पास्ट हैबिट, जैसे आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश, सो जब भी किसी पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं, सो द आंसर विल बी ए, आई यूज्ड टू लाइक रॉक क्लाइंबिंग व्हेन आई वाज यंगर।
रोहन वॉज स्कोल्टेड बाय हिज पेरेंट्स एज ही डस नॉट पास हिज एग्जामिनेशन. अब देखिए अगेन यहां पर पास्ट टेंस है, सो वी नीड पास्ट परफॉर्म. कैन और विल हट गया. शुड बेसिकली वी यूज फॉर कंपल्सन. यहाँ पर एबिलिटी की बात हो रही है कि वो एग्जाम पास नहीं कर सका, तो जब भी हम एबिलिटी की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, बी, कुड नॉट पास हिज एग्जामिनेशन. फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर का क्वेश्चन है. दे प्रोवाइडेड एक्सपेडाइटेड, एक्सपेडाइटेड मीन्स क्विक सर्विस, फास्ट, सिमिलर टू दैट ऑफर्ड बाई मेनी स्टेट इन यूएसए. सो यूएसए के पहले एज यू नो हमेशा द लगेगा. जिन भी कंट्री नेम्स के नेम्स यूनाइटेड से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम हमेशा द लगाते हैं, जैसे द यूएई, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूके, इनके पहले द लगना मैंडेटरी है. यूनाइटेड और रिपब्लिक, इन दोनों के पहले ए और एन नहीं लगेगा, द लगेगा व्हेन दे रिप्रेजेंट द कंट्री नेम. ओके, back to the drawing board. What is the meaning of this idiom? So back to the drawing board का मतलब होता है back to the starting process. जहां से शुरू किया था वहीं पर. Because आपको कोई progress नहीं दिख रहा, तो again you have come back to the same state. Okay? तो उसे कहा जाता है back to the drawing board. मतलब जहां से शुरुआत की थी वहीं से वापस आ जाना. So that's it for this session. देखिए ये सिर्फ आपको एक idea देने के लिए था कि आपका exam का level क्या हो सकता है. ठीक है, इजी पेपर होगा. एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 0.5 से सिलेक्शन होते हैं और नहीं होते, रुक जाते हैं. ठीक है, तो एक्यूरेसी जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे उतना ही आपका आंसर सही होगा, मतलब आप स्कोर ज्यादा कर पाएंगे. और ईडियम अगर सेंटेंस के थ्रू है, सेंटेंस पर बेस्ड ईडियम, उसको डेफिनेटली करिए क्योंकि सेंटेंस से आप मीनिंग गेस कर सकते हैं. बट इस तरह का अगर डायरेक्ट ईडियम आ रहा है और अगर आपको ये मीनिंग नहीं पता, स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग से आप बच जाएंगे. अगर आपने नहीं किया तो 0.5 आपके बच जाएंगे क्योंकि माइनस में नहीं जाएंगे आप. तो इसलिए एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करिएगा, ऑफकोर्स आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका. प्रेजेंट एंड आर्ग्यू. देखिए कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस देखने में बहुत टफ लगता है. जैसे ये क्वेश्चन है, आपको लगेगा ये तो कभी पढ़ा ही नहीं. ध्यान से पढ़िए कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि एसएससी में जनरली यही होता है कि बहुत सिंपल सी चीजें बहुत ही डिफिकल्ट वे में पूछी जाती है. ठीक है, प्रेजेंट एंड आर्ग्यू फॉर अ पोजिशन स्पेशली इन अ कोर्ट. कि कोर्ट में जो आप अपने पोजिशन के लिए आर्ग्यू करते हैं उसको क्या कहा जाता है. सो दैट इज कॉल्ड प्लीट, प्लीटिंग, रिक्वेस्ट करना. एलियास हम कहते हैं उर्फ नेम, जैसे कहते हैं ना मुन्ना और बजरंगी, तो जो उर्फ नेम होता है मुंशी प्रेमचंद, दीज आर एलियास, हिडन सीडोनिम को, ठीक है, उसे कहा जाता है एलियास. बायगॉट कहते हैं ऑर्थोडॉक्स पीपल को, जो बहुत कट्टर होते हैं, कट्टरपंथी, कट्टर, ठीक है, कट्टर, जो बहुत कट्टर होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है बायगॉट, ऑर्थोडॉक्स पीपल. एंड एम्बिडेक्स्ट्रस वी कॉल टू, जो अपने दोनों हाथों से एक बराबर लिख सके, हु कैन यूज His both hands effectively, efficiently, जो अपने दोनों हाथों का बहुत अच्छे से प्रयोग कर लेता है, so that person is called ambidextrous. ठीक है, तो एक बार कॉमेंट करके अपने स्कोर बताइएगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू. और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा. चलिए, थैंक यू गाइस.